So yo, what's up guys, welcome back to the channel again. I hope you guys are doing well. So we'll be starting this video with the same energy and the same intensity. देखा energy उतनी दिखेगी क्योंकि भी शायद मुझको थोड़ा सा रोना टाइप का आ जाए. वैसे देखो पूरी वीडियो देखना, इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जो मेरा 10 महीने का पूरा स्ट्रीमिंग करियर रहा. मैं 7 अगस्त को स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया था, ठीक है. और स्ट्रीमिंग क्या, पबजी के वीडियोज था, पबजी लाइट उस वक्त मैं खेलता था और उसमें मैं नूब था. अभी भी पबजी में भी नूब हूँ, ठीक है. लेकिन नूब से तुम्हारा मतलब ये नहीं कि मैं एकदम ही बेकार खेलता हूँ, ठीक ठाक खेल लेता हूँ. अगर तुम्हारे पास साफ, चलो साफ बात पे आते हैं वीडियो के पॉइंट पे, तुम लोग को स्ट्रीमर बनना है, ठीक है. अभी मैं लगभग 10 महीने से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ और ये वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है. तो अगर आप स्ट्रीमर बनना चाहते हो, फिर अगर आप नहीं भी बनना चाहते हो इस वीडियो को देखो, शायद आप आगे जाके इस वाले वीडियो को आप वापस देखने जाए. तो अभी देख लो, पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा. चलो इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा नहीं बोलूँगा. चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं वीडियो बहुत कम बनाया तो समझो पता नहीं क्या बोलना है. चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर. देखो यार, मेरा स्ट्रीमिंग करियर शुरू होता है 7th August 2020 को. अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये 7th August ही है, लेकिन यार जितना मुझको याद है उतना ही हूँ. चलो मैं उस वक्त पबजी लाइट के कुछ मॉन्टाजेस डालता था. मैं पूरा का पूरा गेम प्ले डालता था, TDM गेम प्ले. मुझको उस वक्त लगभग 40 से 50 व्यूज़ आते थे मैक्सिमम, जो कि मैं खुद से ही डालता था. खुद से ही अपने अपने 5-6 IDs बनाए थे, उससे मैं डालता था. और अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरे 500 कुछ सब्सक्राइबर्स. पता है मैं YouTube पे लगभग 6 महीने बिना किसी सब्सक्राइबर्स के, जो कि मुझको देख रहा है, मतलब मुझको लोग देखते थे पर सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट में गालियां देके जाते थे. तुम लोग कमेंट मत देखो ना, तुम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, तुम्हारे लाइव पे कोई आ रहा है, उसको नहीं पसंद आया, वो तुमको गाली दे रहा है. तुम लोग मुझसे सीखो ये बात कि मेरे स्ट्रीम पे ना जो भी आता है वो मुझको कोई ना कोई गाली देता है, भाई तू नूब है. मेरा अगर मैं गलती से भी किसी को कुछ बोल दूँ तो वो ऑफेंड हो जाएगा ना, वो यहाँ पे आए कि उसका मूड ठीक हो जाए. पता नहीं किस स्ट्रेस से होकर क्या वो किसी से अपने घर पे लड़के आया. तुम उसको स्ट्रेस आउट करो, मतलब वो स्ट्रेस है इस वक्त वो, और तुमको उसको तुम्हारे स्ट्रीम पे आए कि तुम उसको खुश करो. अगर तुम उससे कुछ और तुम उससे लड़ने के तो और बेचारा परेशान हो जाएगा. तो तुम क्या करो कि तुम इग्नोर करो वो तुमको जो गाली दे रहा है. तुम उससे बोलो अरे ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम यार, जो भी बोलना है वो उससे बोलते रहो. लेकिन तुम उसको गाली नहीं दोगे या फिर तुम उसको कुछ भी नहीं ऐसा करोगे जिससे वो दुखी होए. तो तुम ये चीज़ करो, तुम्हारा वो सब्सक्राइबर खुद बनेगा. अभी तक मेरे साथ ऐसा 10-15 बार हो चुका है, 10-15 बंदों ने जो ऐसा सबने मुझको सब्सक्राइब किया. भाई सॉरी यार, मैं थोड़ा गुस्से में था, क्या क्या ब्ला ब्ला. लेकिन यार अगर तुम लोग अपने सब्सक्राइबर्स की रिस्पेक्ट करना सीख गए ना, तुम अचीव कर चुके हो. दूसरी बात, तुम जो भी बोल रहे हो ना अपने स्ट्रीम पे या फिर जो भी बोल रहे हो, जो कर रहे हो स्ट्रीम पे, वो एकदम तुम्हारा जेन्युइन होना चाहिए. जैसे कि अगर तुम किसी को फॉलो भी करते हो, जैसे तुम्हारा कोई ना कोई इंस्पिरेशन होगा ही, तो तुम उसको देखो ना. अगर तुम मॉडल को फॉलो करते हो, अब मॉडल अपने स्ट्रीम पे, मॉडल सबसे अच्छा इसका वो है कि अब मॉडल तुमको, मान लो तुम्हारे ये सब्सक्राइब तुम्हें मैटर नहीं करता कि मैं कितने सब्सक्राइबर्स हैं. मॉडल के देखो 6.5 मिलियन है, 6.4 मिलियन आज ही में मैं देखा. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मॉडल फॉर योर 6.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स. और तुम्हारा ये मैटर नहीं करता तुम्हारे 10 सब्सक्राइबर्स हैं, 100 सब्सक्राइबर्स हैं या फिर 1,000,000,000,000. तुमको ये चीज़ ध्यान में रखना है ना कि अगर तुमको कोई देख रहा है, तुमको कोई अपना टाइम दे रहा है, तो तुम ये याद रखो कि तुम उसको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मत दो. तुम अपने मन से अगर कोई बोल दो कि देखो मैं बहुत सारे छोटे यूट्यूबर्स को देखता हूँ जो कि अपने वीडियो पे वो डाल देते हैं कि पबजी मोबाइल रिलीज डेट या फिर पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला करके कि व्यूज़ चाहिए. मैं भी करता था लेकिन अब मैं नहीं करता क्योंकि मुझको पता है कि उस चीज़ पे मेरे सब्सक्राइबर्स को इफेक्ट पड़ेगा कि वो लोग मुझको क्यों देखेंगे, मैं उनको बेकार चीज़ दिखाऊंगा. दूसरी बात, टाइटल थंबनेल और टैग्स लगाओ जो कि बहुत अच्छे होने चाहिए. अगर एग्जांपल में चाहिए तो मैं आप लोग को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मेरे किसी से भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन ले सकते हो. कोई कॉपीराइट नहीं जाएगा, बस कुछ एक टैग कम कर देना कि यूट्यूब कुछ प्रमोट नहीं करता है. तो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं. देखो यार, दूसरा सबसे बड़ा चीज़ ये होता है जो तुम लोग बोलते ना, भाई तेरे तो पेरेंट्स सपोर्ट करते कि तू इतना 2-2 घंटा स्ट्रीम कर लेता है. देखो शुरुआत में ना सबके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, जब तक तुम्हारा कोई इनकम नहीं आएगा ना भाई, तुम खुद को उस जगह पे रख के सोचो कि तुम सपोर्ट करते क्या. तो देखो यार सच वो सही वो लोग करते, लेकिन तुम लोग खुद की उन लोग के जगह पे खुद को रख के सोचो, वो लोग को नहीं सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है. लेकिन तुम लोग अपना तो पूरा 100% दो कि तुम लोग रेगुलर स्ट्रीम करो, या फिर अगर रेगुलर नहीं हो पा रहे तो एक मतलब 2 दिन में एक बार तो कर लो कम से कम. क्योंकि भाई स्ट्रीमिंग एक ऐसा चीज़ है जिसको तुमको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 10
महीने, एक साल, डेढ़ साल। अब अगर कोई बड़ा अगर कोई छोटा यूट्यूबर जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है, तुमको उससे कुछ नहीं करना है। ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको कोई यूट्यूबर बोल रहा है भाई मुझको तेरे संग कोलैब करना है, छोटा बड़ा जो है भाई वो तुम उसके संग उसको तुमको उसके संग कोलैब करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करते हो ना भाई, उसका ऑडियंस आके तुमको वो करेगा, और नहीं भी करेगा ना भाई, उससे तुम्हारे चैनल को कभी ना कभी जा करके इफेक्ट पड़ेगा। छोटे यूट्यूबर को कभी कंट्रोवर्सी में पड़ना, तुम लोग बोले भाई कि तुम्हारे संग तो खुद ही तुम एक कंट्रोवर्सी के पार्ट हो चुके हो भाई। वो शुरुआत और गंदी शुरुआत हुई थी उसको, और मैं उस वक्त ज़्यादा ही छोटा था, इससे तो एक साल, अभी एक साल ही हुआ होगा उस वाली बात को, लेकिन भाई तब और अब में बहुत अंतर है। तो तुम लोग ये ध्यान रखो कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, अपना टाइटल टैग्स थंबनेल्स हो गए, तुम लोग को पेड थंबनेल्स बनवाने हैं। मैं आप लोग को एक बंदे का लिंक दूंगा, लिंक उसके चैनल का, आप लोग उसके इंस्टाग्राम पे जाओ और वहाँ पे लिख लो, ठीक है, वहाँ पे उसको DM करो, आपका पेड थंबनेल बनाएगा। और आप लोग मुझसे ही बनवा सकते हो अगर आप लोग को मेरे हाथ चाहिए। भाई तुम लोग अपना 100% तो एक चीज़ पे अगर तुम लोग कुछ उसके ऊपर कर रहे हो, मैं स्ट्रीम भाई 10 महीने से कर रहा हूँ, अभी मैं जाकर के 600 सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, और तुम लोग बोले कि भाई तेरे सब्सक्राइबर्स तो खुद ही इतने कम है। भाई सब्सक्राइबर्स कम ज़्यादा होने से मतलब नहीं है, तुम मेहनत कर रहे हो और तुम्हारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना भाई, वो तुमने अपने मेहनत से किया, ना कि किसी से कह करके कि रेड करवाओ। मेरे चैनल में बहुत सारे लोग आते हैं भाई कि रेड रेड, अब तुम लोग बोलोगे भाई तू खुद लिखता है अपने टाइटल में, भाई मैं इसलिए लिखता हूँ ना, हर एक छोटे यूट्यूबर को व्यूज़ चाहिए रहता है, वॉच टाइम चाहिए रहता है, तो भाई मैं उसलिए लिखता हूँ। अब मैं कर देता हूँ भाई बंदों को रेड, लेकिन यार मत बोला करो, मैं आज वाले स्ट्रीम पे नहीं रखा जो अभी मैंने करके हटा। तो भाई अगर तुम लोग रेड मांगते हो ना, वो बंदा दूसरे को देख रहा है, तुम लोग अगर उसके वीडियो पे जाकर के बोलोगे भाई मुझे रेड कर दे, उसमें से तुमको क्या लगता है कि क्या तुमको लगता है कि वो दूसरा वाला बंदा वो तुमको भी देखेगा? अगर तुमको लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। तो अपना पूरा ट्राई करो कि तुम लोग अपने से अपना कॉन्टेंट बनाओ, अपने से ग्रो करने का कोशिश करो, कभी ना कभी तुम सक्सेस ज़रूर पाओगे। तो अभी इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आने वाला है जल्दी, क्योंकि वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ टाइमलाइन पे। तो यार चलो इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा जल्दी, लगभग 1K सब्सक्राइबर्स पे। तो चलो यार थैंक यू फॉर 550 सब्सक्राइबर्स, और ऐसे सपोर्ट करते रहो, 1K जल्दी पहुँचना है। और चलो बाय बाय, टाटा, पीस ऑफ, गुड बाय।